भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 बिल्कुल खास साबित नहीं हुआ। अपने वजन के चलते विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद भारतीय पहलवान ने सिल्वर मेडल की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन अब वह पेरिस से अपने घर भारत आ गई हैं, जहां भारतवासियों ने विनेश का भव्य स्वागत किया। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर गांव पहुंचने तक फैंस ने विनेश पर खूब प्यार लुटाया। गांव पहुंचने के बाद भी विनेश का जोरों शोरों से स्वागत हुआ और गांव में विनेश को उनके समर्थकों और पंचायत के सदस्यों ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और वे अचानक बेहोश हो गई। बता दें कि विनेश के बेहोश होने की वीडियो भी अब सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब लग रही है और वो बेहोश हो जाती हैं। और उनके अगल बगल तमाम लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पहलवान बजरंग पुनिया भी शामिल है। विनेश की बेहोशी देख लोगों के चेहरे पर विनेश के लिए परेशानी देखने को मिलती है। बता दें कि पेरिस से भारत लौटने के बाद विनेश ने अपने गांव की महिला पहलवानों को ट्रेन करने की इच्छा जताई है। उन्होंने प्यार और समर्थन का आभार जताते हुए कहा था कि ये उनके लिए काफी गर्व की बात होगी अगर वे अपने गांव बलाली की महिला पहलवानों को ट्रेन कर सके। विनेश ने आगे कहा, अगर इस गांव से कोई पहलवान नहीं निकला तो निराशा होगी। हमने अपनी उपलब्धियों से रास्ता पक्का किया है, आशा दी है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करती हूं कि इस गांव में महिलाओं को सपोर्ट करें। अगर उन्हें भविष्य में हमारी जगह लेनी है तो उन्हें आपके समर्थन, आशा और भरोसे की जरूरत है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।